दोस्तों न्यू टेक गैजेट आज आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसी गैजेट्स की नई सीरीज जहां पर आपको मिलने वाले हैं कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले गैजेट जो कि हो सकता है आपने इससे पहले ना देखे हो। तो तैयार हो जाइए इस सफर पर चलने के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। नंबर 7 कैप एक्सट्रैक्टर। दोस्तों जो कांच वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है उनमें ऊपर की तरफ जो कैप लगी होती है उन्हें खोलने के लिए आपको ओपनर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और एक बार ओपन कर देने के बाद आप उस कैप को दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है और आप उसे दोबारा रखना चाहते हैं जिससे कि आप जब मनाए फिर दोबारा इस्तेमाल कर सके उसे, तो उसका खराब हो जाना एकदम तय होता है, क्योंकि ऐसे में गैस निकल जाती है और आप दोबारा से बॉटल को रीसील नहीं कर सकते, क्योंकि पुरानी कैप जो बॉटल से निकलती है वो तो खराब हो जाती है ओपनर से। तो अगर आप एक ऐसा गैजेट चाहते हैं जो कि आपकी बोतल के ढक्कन को खराब ना करे जिससे कि आप दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकें, तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा कमाल का रहेगा। दोस्तों गोल सा दिखने वाला ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आपको बोतल के ढक्कन पर लगाना होगा और आसानी से पुश करके आप उस ढक्कन को बाहर निकाल सकते हैं, और दोबारा जरूरत पड़ने की कंडीशन में आप फिर से इसका इस्तेमाल अपनी बोतल को रीसील करने के लिए कर पाएंगे। तो अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर इस तरीके की चीजों के शौकीन हो जिसमें कि इस तरीके की कैप लगकर आती है, तो ये गैजेट आपके पास जरूर से होना चाहिए। नंबर 6 ओमनी वन प्रोटोटाइप। दोस्तों आजकल के समय में गेमिंग वर्ल्ड काफी बड़ा हो चुका है जहां पर एक से एक बेहतरीन गेम्स आ चुके हैं और साथ ही उन्हें कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन गैजेट्स अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गेम को बहुत ही ज्यादा डीपली फील करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आपको गेम को 3D में फील करने के ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक VR मिल जाता है जहां पर आप गेम के ग्राफिक्स के अंदर जाकर आप एकदम फील कर सकेंगे उसे। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको कंट्रोलिंग नॉब्स दे रखी होती हैं जिससे कि आप गन वगैरह से फायर कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक वेस्ट दे रखी होती है जिसे पहनने के बाद आप कंसोल में एकदम फिट हो जाते हैं और आप जो भी एक्टिविटी करेंगे सारी की सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होंगी जिनका रिएक्शन आपको गेम के अंदर दिखाई देगा। यानी कि अगर आप दौड़ लगाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जंप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबका रिएक्शन आपको जो है गेम के अंदर दिखाई देता है। तो काफी ज्यादा बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है इस तरीके की, जो कि पबजी जैसे गेम को और भी रियलिस्टिक बनाने में आपके लिए मददगार साबित होगी। तो अगर आपको ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगी हो तो दोस्तों इसे एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। नंबर 5 पिक्टर स्मार्ट लेंसेस। दोस्तों फोटोग्राफी करना तो बहुत लोगों को पसंद होता है और फोटोग्राफी के लिए आपके पास जरूरी नहीं कि बेहतरीन से बेहतरीन कैमराज ही हो। अगर आपके पास ठीक ठाक मोबाइल है तब भी आप अपनी फोटोग्राफी के स्किल्स का यूज करके अपनी इमेजेस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी किट जो कि कहीं ना कहीं आपकी इमेजेस को एकदम नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी दे दे, तो इस तरीके के लेंसेज को आप ट्राई कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ ही। दोस्तों ये एक तरीके के क्लिप लेंसेज होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करना बेहद आसान होता है। इसके साथ आपको एक इसका पर्सनलाइज ऐप देखने को मिल जाएगा जिससे कि जब आप इसे अपने फोन के साथ लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी फिटिंग देता है आप। साथ ही इसमें आपको अलग अलग लेंसेज के अटैचमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको वाइड एंगल लेंसेज और साथ ही माइक्रो लेंसेज जैसा सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि आपके फोन को एकदम नेक्स्ट लेवल का बनाता है। आप इसे नॉर्मल किसी भी अच्छे फोन के साथ इस्तेमाल करके देख सकते हैं जहां पर आपको सिंगल कैमरा दे रखा हो और इसके ऐप में आपको काफी सारे फिल्टर्स और मोड्स का सपोर्ट दे रखा होता है जिससे कि आप अपनी इमेज को और भी बेहतरीन बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें टेलीफोटो लेंसेज को अटैच करके अपने फ्रेम को और भी ज्यादा व्हाइट कर सकते हैं जो कि एक कमाल की बात रहेगी। तो अगर आप भी पसंद करते हैं इस तरीके की इमेज को लेना अपने मोबाइल फोन से ही, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को अपने पर्सनल यूज के लिए। नंबर 4 बर्गर बडी। दोस्तों अगर आप मेरी तरह बर्गर खाना पसंद करते हैं तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों बर्गर जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा मजा आती है उसे खाने में, और अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो वॉश वूफर में तो मजा ही आ जाता है। खैर छोड़िए, अभी बात करते हैं इस गैजेट की, क्योंकि दोस्तों जो बर्गर होता है उसे खाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि साइज में जितना ज्यादा वो बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसका जो साइड से गिरने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके लिए आपको नैपकिन वगैरह की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ट्राई करके देखते हैं इस तरीके के गैजेट को तो इससे आप बर्गर को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये एक तरीके का प्लास्टिक बना हुआ गैजेट होता है जिसमें कि आपको बर्गर को रख देना होता है और आप इजीली इसे खा सकते हैं क्योंकि इसमें गिरने विरने का कोई भी चक्कर नहीं होता। अगर आपके पास नैपकिन नहीं है तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप भी बर्गर के शौकीन हैं तो इस तरीके के गैजेट को जरूर से ट्राई करके देखिएगा, जिसका एकदम अलग ही मजा होने वाला है बर्गर खाते वक्त। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इसे खरीदना तो इसके लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 3 ग्रिल गन।
दोस्तों जब आप आग जलाते हैं तो बहुत ज्यादा कभी कभी दिक्कत हो जाती है लकड़ियों को जलाने में, और अगर आप आउटडोर में हैं तब तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, जिसके लिए अक्सर हम लोग फूंक मारते हैं लकड़ियों में जिससे कि वो जल्दी आग पकड़े। साथ ही कभी कभी हम लोग पंखे से भी हवा करते हैं जिससे कि वो लकड़ियां जल्दी से सुलगने लगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा गैजेट जिससे कि आप इस काम को आसानी से कर पाए, तो ये गैजेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल का रहेगा। दोस्तों गन जैसा दिखने वाला गैजेट ये एक ऐसा ब्लोअर होता है जिसे कि जब आप फायर करेंगे अपनी जो है लकड़ियों पर, तो ये काफी तेजी से जो है उन पर हवा फेंकता है जिससे कि आग धीमे धीमे जलना शुरू हो जाती है। यानी कि ये आपके काम को काफी हद तक आसान बना देता है जिससे कि आप लकड़ियों को आसानी से जला पाएंगे। अगर आप कैंप फायर करते हैं या फिर आप आउटडोर में कुकिंग वगैरह करते हैं तो ये गैजेट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो कैसा लगा है आपको ये गैजेट कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। नंबर सेकंड, जेड मिरर। दोस्तों हर घर में एक शीशे की जरूरत तो जरूर से पड़ती है जिसमें सभी लोग फेस दिख सके, लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये मिरर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा मिरर होता है जहां पर आपको एक ऐसी रिंग लाइट देखने को मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी तरीके के काम के लिए। यानी कि अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो वहां पर ये आपके काफी काम आएगी। और बात अगर सेल्फी की हो ही रही है तो यहां पर आपको एक छोटा सा कैमरा भी देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप अपनी फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। साथ ही इसका जो मिरर होता है उसमें एक इनबिल्ट डिस्प्ले रहती है जहां पर आपको ये फोटोज दिखाई देंगे, और साथ ही ये एक आपके लिए एक प्रोफेशनल डिस्प्ले की तरह काम करती है जहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं, आसानी से काफी सारे एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिरर आपका जो है एलेक्सा को भी सपोर्ट करता है जिसकी मदद से आप अपने घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, और साथ ही म्यूजिक सुनना, ये सारे काम भी इससे आसानी से हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा अपग्रेड एंड एडवांस रहता है इस तरीके का गैजेट। यानी कि देखने में तो ये सिर्फ एक नॉर्मल शीशा लगता है लेकिन बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड फीचर्स के साथ आता है। वही दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल एक साइड टेबल लैंप के तौर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे के हिस्से में भी आपको लाइटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके बेड के साइड पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लगेंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं इस मिरर के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स देखने को मिलेंगे। नंबर वन, शेल ट्रैवल बैकपैक। दोस्तों आपने बैकपैक्स तो काफी सारे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन अगर आप एक ऐसा यूनिक बैकपैक चाहते हैं जो कि आपके ट्रैवल टाइम में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहे, तो ये गैजेट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा बैकपैक होता है जिसमें हर चीज को रखने के लिए एक स्पेशलाइज जगह होती है। यानी कि अगर आप कपड़े रखना चाहते हैं तो इसमें आपको वार्डरोब सिस्टम दे रखा होता है जिसमें कि आप आसानी से अपने कपड़ों को मैनेज कर पाएंगे, और साथ ही इसे आप बाहर भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई चीज निकालनी है तो आपको पूरा बैग उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसके वार्डरोब सिस्टम वाली जगह को बाहर निकाल लीजिए, सारे कपड़े आपके एकदम बाहर आ जाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें लैपटॉप वगैरह को रखने के लिए भी एक अलग से जगह दे रखी होती है जिसमें कि आप चीजों को आसानी से मैनेज कर सकती हैं। साथ ही इसमें एक शू कंपार्टमेंट भी दे रखा होता है जिसमें कि आप अपने शूज को लेकर कैरी कर सकते हैं, और इसमें कुछ आपको डिटैचेबल पॉकेट्स भी दे रखी होती हैं जिनमें कि आप डायरी या फिर अपना पर्स वगैरह को रखकर आसानी से डिटैच करके निकाल भी पाएंगे। तो काफी ज्यादा कमाल की चीजें रहती हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं इस बैकपैक में। साथ ही ये बैकपैक लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है जो कि अपने आप में एक कमाल वाली बात रहेगी। तो अगर आप भी ट्रैवल के लिए एक ऐसा बैकपैक चाहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और यूनिक रहे, तो ये बैकपैक आपको जरूर से ट्राई करके देखना चाहिए। तो इसके लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और आपका इस वीडियो में पसंदीदा गैजेट कौन सा रहा है इस बात का इंतजार मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा से रहता है। तो फटाफट कमेंट करके मेरे को बताइए कि आप इसमें से कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे। वही दोस्तों अगर आप इनमें से दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे जहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।